हरिओम। आज 30 मार्च दिन मंगलवार 2021 और हिंदी तिथि द्वितीय तिथि है रात्रि 8:18 तक, उपरांत तृतीय तिथि लग जाएगी चैत्र मास कृष्ण पक्ष और विक्रम संवत 2077 साकी 1942। चित्रा नक्षत्र है जो कि दिन के 2:51 तक रहेगा, तदुपरांत स्वाति नक्षत्र लग जाएगी। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:29 से 12:18 तक। स्मरण रहे अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य वो चीर काल तक स्थायी रहता है और शुभ मीठे परिणाम देने वाले होते हैं। और आज के दिन द्विपुष्कर योग भी है जो दिन की शुभता को और बढ़ा रहा है। दिशा सूर्य उत्तर एवं वायव्य की यात्रा करना बिल्कुल वर्जित माना गया है आज के दिन, पर अति आवश्यक हो तो घर में गुड़ है, गुड़ को थोड़ा ग्रहण करके भगवान को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। 3 से 4:30 का समय या 1.5 घंटे का कालखंड, इस बीच में कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ या फिर यात्रा का प्रारंभ नहीं करते हैं। अति अति आवश्यक हो योग्य विद्वान से मिलकर उनसे संपर्क करके उनसे दिशा निर्देश लेकर गुरुजनों को प्रणाम करके किया जाए, बाकी दिन आपका मंगल हो। ये तो हो गई आज की पंचांग और बारी आती है अब आपकी राशि, जो कि प्रतिदिन आपके प्रत्येक राशि 12 राशि की बात करता हूँ बिना समय व्यतीत किए हुए टू द पॉइंट। सीधे हम राशियों पे आते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, व्यापार में लाभ होगा, आपके जो दैनिक व्यापार हैं उसमें लाभ होना, प्रतिदिन प्रयास करके निकलते हैं किंतु हो सकता है मनोनुकूल परिणाम नहीं भी आते हों, लेकिन आज के दिन आपका व्यापार में लाभ होगा। जबकि वृष राशि के जातकों को बताऊं कि शत्रु शरणागत होगा। आपकी नीति, आपका व्यवहार और आज के दिन की शुभता जो आपकी राशि कहती है, इससे ये प्रतीत होता है कि शत्रु आपके शरणागत होगा और शत्रुता समाप्त हो गई और आपके विकास में जो बाधक थी वो भी समाप्त हो गया। मिथुन राशि के जातकों को बताओ, संतान संबंधी सुख प्राप्त होगा। संतान से संबंधित संतान को सुख प्राप्त होना मतलब भी माता पिता की ही खुशी होती है, उससे भी ज्यादा। बागीचे में माली जब अपना फूल और फल, मीठे फल देखता है, सुगंधित पुष्प देखता है सुंदर, उसका सारा लगता है वो सारा सकारात्मक हो, सब कुछ वसूल हो गया, तो माता पिता के लिए भी बहुत सुखदायी है। कर्क राशि के बताऊं कि मकान और जमीन से संबंधित लाभ होने वाले हैं। मकान के लाभ मिलेंगे, नई जमीन हो सकती है, जमीन मकान से संबंधित किसी प्रकार का मामला जो अटक सा रहा था वो संपन्न हो जाएगा आज के दिन। सिंह राशि के जातक के लिए है, भाइयों के माध्यम से लाभ प्राप्त होना है। भाइयों के साथ बैठकर थोड़ी मंत्रणा की जाए, किसी योजना से संबंधित जो मन में चल रहे हैं, जिसकी कार्य योजना चल रही है, तो भाइयों के साथ मंत्रणा किया गया ये शुभ फल को देने वाला है। जबकि कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कोई धन आ जाना है, आपके मस्तिष्क पे नहीं भी रहा हो, कोई योजना नहीं भी है, आपकी बिल्कुल मानसिक तैयारी नहीं थी और अचानक से एक धन आ गया, खुशी की बात है। तुला राशि के जातकों को बताओ, मन विलासिता से लैस रहेगा, मन में विलासिता, शौक, श्रद्धा, थोड़ी रोमांटिक भी कह सकते हैं और या फिर थोड़ा ज़्यादा ही ग्लैमरस कहा जा सकता है आज के दिन मन का होना, अच्छी बात है, एंजॉय करें, मन मस्त होनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ कार्य के पीछे धन व्यय होने हैं। धन तो खर्च करने के लिए आते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, पुरुषार्थ से कमाया गया धन और सतमार्ग में किया गया धन यही लक्ष्मी है और शुभ कार्य के पीछे होना बहुत अच्छी बात है। धनु राशि के जातकों को बताऊं, सारे कार्य सिद्ध होंगे, कई योजनाएं बनाई थी, सारे कार्य का प्रारंभ किया था, वो प्रारंभ हुआ भी, कहीं अटक भी गया हो, किंतु आज के दिन जितने मकर राशि के जातक हैं जिनके कार्य से संबंधित कहीं
लटकी हुई योजनाएं थी वो सारे संपन्न हो जाएंगे और उसके लिए होगा। मकर राशि के जातकों को यह भी बात है कि नौकरी में भी लाभ होनी है। नौकरी पेशे में जो मकर राशि के जातक है उन्हें नौकरी में उन्नति या लाभ, इंक्रीमेंट या आपके मनोनुकूल स्थानांतरण, इस प्रकार के योग बनते हैं। और कुंभ राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति हो गई तो जीवन ही सफल माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तप तपस्या करते हैं। आपका आज का दिन आपके लिए तो ऐसे ही वो सपोर्ट कर रहा है। और अंतिम राशि आती है मीन राशि, आपके लिए है संपत्ति के लाभ होंगे, वो पैतृक संपत्ति हो अचल संपत्ति से संबंधित लाभ होने की आशा है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार की सारी बातें 12 राशि के लिए है। और एक बात स्मरण करा दूं, यदि आपने मेरे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको मेरी राशि संबंधी सेवाएं, इसके अतिरिक्त व्रत त्योहार की जानकारी, इसके अतिरिक्त भी कई जानकारी हम आपसे साझा प्रतिदिन करते रहते हैं, स्वतः आपके मोबाइल पर ये मिल जाया करेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और हाँ शेयर भी करें अपने प्रियजनों को, वो उन्हें भी लाभ मिलेगा और आपको भी पुण्य के भागी आप भी बनेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऊर्जावान रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ आज हरिओम तत्सत।